हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एफके ग्रुप चैनल। दोस्तों अभी तेजस्वी यादव जी जो है रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे रात तक जो है उन्होंने पूरा भ्रमण किया है कंकर बाग एरिया, यानी पटना के जो कंकर बाग एरिया है उसका पूरा भ्रमण किया है दोस्तों। और वहां पे एक एक लोग से दोस्तों मिले, सोते हुए बहुत से जो लोग रिक्शे वाले या कुछ गरीब जो रोड पर सो रहे थे उनको कम्बल भी बांटा और उनको ये भी बताया कि आप जाकर जो कैंप लगा हुआ है वहाँ पर जाकर सो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो बिहार सरकार है दोस्तों अभी पटना में बहुत से जगह पर कैंप लगाया हुआ है कि वहाँ पे जाकर लोग आप देख रहे किस तरह से कम्बल चादर और वहाँ पे शौचालय पानी का पूरा सुविधा रखा गया हुआ है कि वहाँ पे जो लोग बाहर से आ रहे हैं या फिर वहीं के रहने वाले जो लोग हैं बहुत जो रोड पर सोते हैं वो लोग जाके वहाँ पर आराम से सो सके और वहाँ पर ठंडी से बच सके। दोस्तों वहाँ पर आपको देख रहे किस तरह से लोग जो है गद्दा दिया गया, तकिया दिया गया हुआ है, वहाँ पे कम्बल दिया गया, पानी का सुविधा है दोस्तों, शौचालय का सुविधा है, पूरा सुविधा दिया गया दोस्तों। तो इसका भी निरीक्षण करने आए हुए थे साथ साथ में दोस्तों, और कुछ रास्ता जो रोड पे सो रहे थे गरीब लोग उनसे भी मिले दोस्तों, उन लोगों को कम्बल भी दिया और उन लोगों को बोला कि आप लोग जाकर वापस सो सकते हैं। बट बहुत से रिक्शे वाले लोग नहीं सो पाए क्योंकि दोस्तों उनका कहना था कि हमारा रिक्शा अगर कोई चोरी हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। फिर भी उन्होंने क्या किया कि तेजस्वी यादव जी ने उनसे मिले, बात किए और कम्बल जो है दोस्तों सबको वितरण किया। आप एक एक करके फोटो देख सकते हो और जो लोग का कोई इशू था उनसे भी बात किया दोस्तों, और बात करके उस चीज़ को आप देख रहे कितना खूबसूरत जो कैंप बनाया गया हुआ ठंडी में रहने के लिए लोगों के लिए दोस्तों। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है गरीबों के लिए और ऐसा कदम दोस्तों होना चाहिए हर सरकार को। आप देख रहे दोस्तों और आधी रात को दोस्तों पटना में निकले हुए तेजस्वी यादव जो रात को 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक इन्होंने पूरा निरीक्षण किया दोस्तों। एक एक लोग एक जगह पर लोगों से जाकर मिले दोस्तों, आप एक एक करके वीडियो आप देख सकते दोस्तों किस तरह से लोगों के ऊपर जाकर ब्लैंकेट ओढ़ा रहे हैं, किस तरह से लोगों के ऊपर दोस्तों जगाकर ब्लैंकेट दे रहे दोस्तों। आप एक एक करके वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बेस्ट